سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح. السلام عليكم. اللهم صل وسلم. अस्सलाम वालेकुम। 5 जनवरी का सूरज ग़ुरूब हो चुका है और हम लेट रहे हैं रात के लिए। ओके भाई, गुड नाइट, अल्लाह दे हवाले। और ये होगी रात, 6 घंटे 7 घंटे का टाइम लैप्स चला गया। अब हम उठे हैं। उठना इस बिस्तर से बहुत आसान है, बस ज़िप खोलो और बाहर आ जाओ। हाथों पे बहुत सख्त ठंडक लगी हुई थी, हाथों को हल्का फुल्का सी मालिश की ताकि गर्म हो जाए। पानी भी अब पानी में थर्मोस में रखता होता हूँ ताकि इस रात को गर्म रहे और सुबह गर्म पानी अवेलेबल हो। गर्म पानी पिया करें, सुबह सुबह ठंडा पानी ना पिया करें, ख़ास तौर पे सर्दियों में। उठे जी, जाके अपनी अकलौती चादर जो 10 साल से हमारे पास है उसको ओढ़ लिया और चले गए वॉशरूम की तरफ। एक टांग हमारी लिंक कर रही है, तो मैंने कहा यहाँ पे इस तरह करूँगा कि वापस आता हुआ शॉट जो है ना बाद में एडिट कर दूँगा, लेकिन मैंने यहीं पे एडिट कर दिए। चलो खैर है यार, गुजारा करो भाई। तो बाहर बहुत सख्त धुंध थी, कैमरा सेट किया था कि आपको वॉशरूम में जाते हुए जो है ना उसका शॉट दिखा सकूँ। भाई लाइट ऑन कर लो, लाइट के बगैर ना जाना। लाइट कर ऑन कर अंदर चले गए, अंदर वजू किया, लेदर सोप इस्तेमाल किया। इसको हमारे पास 2 साल होने वाले हैं, यह ख़त्म ही नहीं हो रहा। मिसवाक की, मिसवाक करना तो बहुत ज़रूरी है, सुन्नत नबी है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। कुछ 70 के करीब इसकी खसूसियात हैं जो हदीस वगैरह में आई हैं। जल्दी जल्दी वज़ू किया ताकि नमाज टाइम से पहले पढ़ सकें। नमाज पढ़ते हुए खसूसन ये दुआ ज़रूर पढ़ी, अल्लाहुम्मा फ़िली ज़म्बी वसीली फ़ी दारी व बारिकली। फिर इसकी वज़ू करने के बाद भी दुआ, मसनून दुआओं का हमेशा एहतमाम करें। दरवाज़े से बाहर निकले, बाहर निकलने के शॉट ये देखने, लाइट बंद की, अब्बू के पास गए। अब्बू के कमरे में अंधेरा था, सलाम किया उनको, अपने कमरे में आ गए, जुराब पहनी, जुराब ऊपर तक पहन लिए, ऊपर पजामा डाल दिया, पजामे के ऊपर दोबारा दूसरी जुराब पहनी। ये हो गए हम बिल्कुल सर्दी प्रूफ, सर्दी नहीं लगनी चाहिए। दूसरे पैर में दोबारा से ये अमल रिपीट किया, पहले जुराब पहनी, पजामा ऊपर किया, ऊपर तक पजामा जुराब को ले, पजामा जुराब के ऊपर और दूसरी जुराब पजामे के ऊपर। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया यार। फिर पजामे के ऊपर दूसरा पजामा, क्योंकि ठंड बहुत है, वो नीचे फर्श पर बहुत सर्दी होती है यार। जा नमाज लगाई, नमाज क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ही कीमती होता है यार। एक तो अल्लाह ने रिज़्क के दरवाजे खोले होते हैं, तो अल्लाह की बिज़नेस की क्लास से कोई लेट नहीं हो सकता। नमाज के बाद उठे, मोबाइल चेक किया, किसी इमरान जट भाई ने हमें आई लव यू बोला हुआ था भाई 7 घंटे पहले, किसी ने कमेंट किया। इक्का दुक्का ही कमेंट आते हैं, भाई को लाइक किया, लव मारा, आई लव यू के रिप्लाई में हमने भी भाई को वालेकुम लव यू लिख के भेज दिया। वालेकुम लव यू लिख के उनको रिप्लाई किया, तो मोबाइल की चार्जिंग थोड़ी कम थी। आजकल की जनरेशन का सबसे अहम इशू कि मोबाइल की चार्जिंग जो है, मोबाइल की बैटरी वो कम नहीं होनी चाहिए। मोबाइल को लगाया बैटरी पे और रख दिया यहाँ पे, थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगा। गए अपने बिस्तर पर और टॉनिक ली, नहार मुँह दिमागी, कर्शी की दिमागी ले, नहार मुँह बहुत ही अच्छी, सर्दियों में खसूसन बहुत ही मुफीद चीज़ है, आपको हशाश बचा सकती है और रेगुलरली लेने से आप बिल्कुल फिट रहते हैं। इसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट मेरे फूफो ने मुझे दिए थे, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है और काजू है, एक एक दाना सब का लिया और लेट गए थोड़ी देर के लिए नाश्ते के इंतज़ार में और अपनी मेडिटेशन करने के लिए। नाश्ता तैयार हो चुका था, बाहर निकले, बाहर बहुत सख्त धुंध थी यार, बहुत सख्त धुंध थी, लगता है सूरज नहीं निकलेगा भाई, वापस आ जाओ। जाके अब्बू को सलाम दुआ किया, गुड मॉर्निंग की, अस्सलामु अलैकुम। अब्बू कोई अपना जर्नल बना रहे थे और अब्बू ने कहीं आज जाना था
अब्बू तैयारी कर रहे थे, हमने हल्का फुल्का जो है हाथ से की जूतियों से नहीं थी पाँव सेक लिए भाई। वापस आए, अब्बू को ज़्यादा तंग करना मुनासिब नहीं समझा, किचन में जाके सूरत हाल देखी कि क्या हो रहा है। ये अंदर आने का शॉट, अंदर आते ही एक काम मिल गया, अब्बू का नाश्ता तैयार हो चुका था, अंडे उबल चुके थे। अब्बू ने कहा जाके मेरा अंडा छीलो, आज आपको बताएंगे अंडा छीलने का नया तरीका। अंडा ले लें उबला हुआ, एक तरफ से भी ठक ठक, दूसरी तरफ से भी ठक ठक कर लें, हल्का सा फर्श पे मलें, इसको हाथों में मस लें ताकि उसका अंदर वाले छिलका जो है वो अलग हो जाए। फिर एक तरफ से छिलका उतार लें, दूसरी तरफ से भी उतार लें, एक साइड से थोड़ा ज़्यादा निकालें, वहाँ से आप फूंक मारेंगे तो अंडा बाहर आ जाएगा। ओहो ये कहिए क्या, वो भाई वो नाश्ता हमारा पराठा भी तैयार हो रहा था, इंतज़ार में हम बैठे थे कब तो पराठा तैयार हो। फिर उसके बाद ब्रेड गर्म करने की ज़िम्मेदारी हमारी थी, हल्का 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 घी लगाया, क्योंकि हल्का हल्का घी हो तो ये ब्रेड के टोस्ट जो है ना बड़ा फिट बनता है। ऊपर भी लगाया ज़रा ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ब्रेड और अंडा तैयार हो चुका और हम बैठ गए नाश्ते के लिए। नाश्ते में था कि हलवा, ब्रेड, चाय। ये ले भाई आपके लिए, एक नहीं वाला, आपने खाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं खा लेता हूँ। ऊपर से भी चाय, और आपको दिखाते हैं अभी नाश्ते का हल्का फुल्का सा टाइम लैप्स। टाइम लैप्स तकरीबन आधा घंटा लग गया है, लेकिन ये आपको कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा। तीन चार ब्रेड थी, आधी रोटी थी, हलवा था, और इतनी ज़्यादा चाय थी। बाहर निकले, अब वजू कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, बाहर धुंध उसी तरह थी, धुंध में लगता है कोई कमी नहीं आने वाली। जा गए अपने बिस्तरे पर, जाकर मेडिसिन ली और थोड़ी देर के लिए लेट गए, क्योंकि बाहर बहुत सख्त सर्दी थी। बाहर यार बाहर निकले तो बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिला। सरप्राइज़ ये था कि सूरज निकला हुआ था इन टू द वाइल्ड का, वो बंदा क्या कहता है, ऑल एंटार्क्टिका में 6 महीने बाद सूरज ने अपना चेहरा दिखाया है, माशाल्लाह। खाने के लिए अपनी चेयर सेट की, 3 दिन पहले वाला सालन ओवन ऑन किया, ओवन को 1 मिनट पे लगा के सालन अपना अंदर रख दिया। 1 मिनट गुजर गया भाई, गुजर गया, नहीं गुजरा, गुजर गया भाई। बाहर निकाला, क्या सालन अंदर रखा था, हलवा निकल आया, वाह यार ज़बरदस्त, अल्लाह की शान, ये सालन बाद में निकला, क्या बात है यार। कहते थे मोर का पंख रखो 1 से 2 हो जाते हैं, ये तो सालन का हलवा बन गया भाई। खाना खाते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह जोर की नमाज अदा की, नीचे बोर्ड ठहरती इसलिए कंबल रखा हुआ है। फिर आ गए अपने बिस्तर पर, थोड़ी देर मेडिटेशन की है, फिर किया आपके इसी ब्लॉग को एडिट, उस पर वॉइस ओवर कर रहे हैं माशाल्लाह। तो यार अगर आपको ये इस तरह की वीडियोस भी पसंद है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सजेशंस दें। तो मैं तो यार ये बना बना के आज थक गया हूँ, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान। लगता है यार आपने पूरा व्लॉग देखा है, शुक्रिया भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।